आप अपना करियर कोडिंग में बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि BCA करें या फिर BTech, तो यू आर इन द राइट प्लेस क्योंकि आज की वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन कर रहे होंगे बिटवीन दीज टू डिग्रीज। सो हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय PW Skills। आज की वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं BCA डिग्री और BTech डिग्री को। BCA के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज अ 3-year अंडरग्रेड डिग्री जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। वहीं पे अगर मैं BTech के बारे में बात करूँ तो दिस इज अ 4-year टेक्निकल डिग्री जहाँ पे आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड उसकी इंजीनियरिंग के बारे में इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। BTech में सिर्फ आपके पास कंप्यूटर साइंस नहीं होती है, BTech इन IT भी होती है, BTech इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होती है एंड और भी काफी सारे वेरिएशंस एंड रिलेटेड फील्ड्स होते हैं टू कंप्यूटर। सेकेंडली अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है काफी बड़ा दोनों डिग्रीज के बीच में कि BCA आप तब भी कर सकते हैं अगर आपने 11th-12th में PCM ना पढ़ी हो। तो मतलब कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने मैथ्स नहीं कर रखी है, तब भी आप BCA की डिग्री परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बस मिनिमम 50% होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 50% ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यहीं पे BTech में आपके पास PCM होनी जरूरी होती है 11th-12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दैट इज अराउंड 60-75% जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस फॉर BCA एंड BTech। BCA में एडमिशन दो तरह से हो सकता है। नंबर वन, या तो आपका जो भी 12th क्लास में स्कोर रहा था उसके बेसिस पे होता है आपका एडमिशन, या फिर हो सकता है यूनिवर्सिटीज का खुद का एक एग्जाम हो BCA का, जैसे कि IP का अलग एग्जाम होता है, सम अदर यूनिवर्सिटी विल हैव सम देयर ओन एग्जाम्स फॉर BCA। देयर आल्सो स्टेट लेवल एग्जाम्स जो कि BCA के लिए होते हैं। हाउएवर फॉर BTech मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो नेशनल लेवल एग्जाम्स देते हैं विच इज JEE मेन, एंड अगर आपका वो क्लियर हो जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर JEE एडवांस विच इज रिक्वायर्ड फॉर IITs एंड NITs। हाउएवर फॉर BTech मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव नेशनल लेवल एग्जाम विच इज JEE मेन्स। अगर JEE मेन्स में आपका क्लियर हो जाता है, यू कट द क्राइटेरिया, देन यू कैन सिट फॉर JEE एडवांस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन टू IITs। JEE के अलावा देर ऑल्सो सम एग्जाम्स जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपना खुद का रखती है, जैसे कि BITS कॉलेज जो है उसका खुद का एग्जाम होता है विच इज BITSAT। एंड अगर एडमिशन प्रोसेस में कॉम्पिटिशन के बारे में बात करें तो BCA में जो आपका कॉम्पिटिशन रहता है जो कि स्टेट लेवल एग्जाम्स में रहता है दैट इज कंपैरेटिवली लोअर देन जो आपका JEE में कॉम्पिटिशन रहता है विच इज अ नेशनल लेवल एग्जाम एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड मोर डिफिकल्ट। फोर्थ, लेट मी टेल यू अबाउट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BCA एंड BTech। BCA के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर, SRM इन चेन्नई, रेजिडेंसी कॉलेज अगेन इन बैंगलोर, सिम्बायोसिस इन पुणे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शंस। BTech के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस माने जाते हैं वो IITs माने जाते हैं, बट दे आर वेरी हार्ड टू गेट इनटू। देयर आर आल्सो अदर ऑप्शंस लाइक NITs, IIITs एंड अदर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज लाइक BTU एंड NSUT। नंबर 5, फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे भी काफी डिफरेंस आ जाता है बिटवीन BCA एंड BTech। BCA की जो फीस होती है वो जनरली लोअर साइड पे रहती है, इट गोज फ्रॉम 1-6 lakhs फॉर 3-year कोर्स, एंड BTech क्योंकि एक तो ज्यादा लंबा भी होता है कोर्स, एंड वैसे भी इवन IITs में भी BTech की जो फीस होती है दैट कैन गो टिल लाइक 12 lakhs। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BTech कर रहे हैं तो आपकी फीस 25 lakhs तक या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। नंबर 6, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द कोर्स वर्क इन BCA एंड BTech एंड व्हाट्स द डिफरेंस। तो जो आपके कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई या फिर कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको दोनों ही डिग्रीज में पढ़ाए जा रहे होंगे। बट BTech में इससे आगे जो है कुछ अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर में BTech में आपको कुछ PCM रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड ऑल्सो BTech में आपके और भी फील्ड्स इंक्लूडेड हो सकती हैं जैसे कि AI, ML, क्लाउड कंप्यूटिंग एटसेट्रा। तो जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन BTech में देयर आर सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो कि आपके लिए ज़रूरी भी हो सकते हैं, नहीं भी ज़रूरी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। नंबर 7, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स नेक्स्ट। BCA के बाद आप क्या कर सकते हो एंड BTech के बाद आप क्या कर सकते हो आफ्टर द डिग्री इज कम्प्लीटेड।
तो नंबर वन ऑप्शन इज ऑब्वियसली कि आप डायरेक्टली आईटी सेक्टर में जाइए, प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करें। बीसीए एंड बीटेक दोनों डिग्रीज के बाद ही यू कैन गेट द ऑप्शन टू वर्क फॉर प्राइवेट कंपनीज। लेकिन डिफरेंस आ सकता है थोड़ा रोल्स में कि बीसीए में आपको ज़्यादा जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसके अलावा भी आप बहुत सारी फील्ड्स पढ़ रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जाना है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाना है आपको तो वो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बाद इजीली जा सकते हैं। तो बीटेक विल गिव यू मोर नंबर ऑफ ऑप्शंस एज कम्पेयर टू बीसीए इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। नंबर टू, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो कई बार ही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में जरूरी होता है कि आपके पास टेक्निकल डिग्री हो, तो वहां पे अगेन आपने अगर बीटेक कर रखा है तो यू विल गेट एन एडवांटेज। थर्ड ऑप्शन इज कि आप आगे और स्टडीज परस्यू करें, तो बीसीए के बाद देयर इज एमसीए व्हिच इज मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। बोथ ऑफ दीज मास्टर डिग्रीज दे अलाउ कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर पाए। एमसीए करने के लिए आपको निमसेट एग्जाम देना पड़ता है एंड एमटेक करने के लिए आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। वन मोर पॉइंट इज कि आप बीसीए के बाद डायरेक्टली एमटेक नहीं कर सकते, बिकॉज एमटेक के लिए ज्यादा जो है नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। इसलिए अगर आपको एमटेक करनी है तो आपको बीसीए करके एमसीए करनी पड़ेगी एंड देन you can try for MTech. Fourth option, after your undergrad degree is going for masters abroad. तो abroad universities भी ऐसी होती हैं कई बार जो कि compulsory करती हैं या तो 4-year degree या फिर technical degree. तो वहाँ पर अगर आपने सिर्फ BCA कर रखा है तो हो सकता है आपको problem हो। BCA करने के बाद आप MCA कर सकते हैं to get those opportunities. And lastly बात करते हैं job placements की, जो I feel कि मैक्सिमम बच्चों का यही डिसाइडिंग क्राइटेरिया होगा। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से भी बीसीए कर रहे हैं तब भी जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऑन कैंपस मतलब कि जो आपके कॉलेज में कंपनीज आएंगी टू गिव यू जॉब्स, टू हायर यू फॉर देयर कंपनीज, वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं इफ़ यू आर डूइंग बीसीए। ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ अगर होंगी भी तो देल मोस्टली बी मास रिक्रूटर्स, जो कि आपको अराउंड मैक्सिमम 5-6 lakhs का पैकेज ऑफर कर रही होंगी। वहीं पे बीटेक में जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप एक अच्छे डिसेंट कॉलेज से करें, मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ IITs में जो है वो पैकेज अच्छा मिलता है, इवन आप कोई डिसेंट Tier 2 कॉलेज से भी अगर करें तो वहाँ पे भी यू कैन गेट गुड ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़। ऑफ कैंपस के लिए अगर हम बात करें तो कंपनीज फ्रेशर लेवल पे ये देखती हैं कि आपने कौन सी डिग्री कर रखी है अंडरग्रेड पे, तो वहाँ पे भी इट कैन मैटर कि हो सकता है कुछ कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो कि आपने बीटेक करी होनी चाहिए या 4-year डिग्री करी होनी चाहिए, तो अगेन बीटेक विल बी प्रेफर्ड देयर। लेकिन हाँ, अगर आप एमसीए कर लेते हैं बीसीए के बाद तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो ज्यादा होंगी, बढ़ जाएंगी, एंड यू कैन गेट द एवरेज पैकेज वही जो एक बीटेक ग्रेजुएट को मिलता है। सो दैट इज द डिटेल कंपैरिजन बिटवीन बीसीए एंड बीटेक। अब आपको डिसाइड करना है अपने हिसाब से कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर मैं समराइज करूं जो मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों डिग्रीज के बीच में, तो सबसे पहला ये कि बीसीए इज 3-year डिग्री, बीटेक इज 4-year डिग्री। नंबर टू, बीसीए की जो फीस होगी वो कम होगी, बीटेक की फीस जो है वो जनरली हायर रहेगी। नंबर थ्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास बीसीए में थोड़ी सी कम रहेंगी, बीटेक के बाद ज़्यादा रहेंगी। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको कोई डिसेंट कॉलेज में मिल रहा है बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है बट इट हैज़ अ गुड रैंकिंग एंड वहाँ का एवरेज पैकेज इज़ ऑल्सो गुड, गुड का मतलब इज 6-8 lakhs अगर एवरेज पैकेज है, तो आई वुड कंसिडर दैट कॉलेज गुड। तो लास्ट में मैं एक बार ही समराइज कर लेती हूँ जो मेजर डिफरेंसेज हैं बिटवीन बीसीए एंड बीटेक। नंबर वन, बीसीए के लिए आपको पीसीएम करनी ज़रूरी नहीं है, तो अगर आपके पास 11th-12th में आर्ट्स कॉमर्स थी एंड आप कोडिंग करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीटेक के लिए यू नीड टू हैव पीसीएम इन 11th-12th। नंबर टू, बीसीए जो है वो 3 साल की डिग्री है एंड बीटेक जो है वो 4 साल की डिग्री है। नंबर थ्री, बीसीए में आपकी जो फीस होगी वो कम रहेगी, बीटेक में फीस जो है वो जनरली हायर रहेगी। एंड नंबर फोर, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बीसीए में आपको कम मिलेंगी, बीटेक में आपको ज़्यादा मिल रही होंगी। एंड जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद जो ऑप्शंस खुलते हैं आपके लिए वो भी आपके पास ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी इन बीटेक। तो आई वुड एडवाइज यू, तो अगर ऐसा कोई कॉलेज आपको मिल रहा है तो प्रेफर दैट फॉर बीटेक ओवर बीसीए, प्रोवाइडेड कि आप एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं फॉर बीटेक। एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज कि अभी
शायद ये मैटर कर रहा है कि आप BCA कर रहे हैं या BTech, जो आपका अभी क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया है, या फिर आपने अगर डिसीजन ले लिया है तो जस्ट आफ्टर योर डिग्री इट माइट मैटर, कंपनीज माइट सी कि आपने BCA करी है या फिर BTech. लेकिन जब आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं, आपको 3-4 साल हो जाते हैं वर्किंग इन द इंडस्ट्री, उसके बाद नो वन केयर्स कि आपने कौन सी डिग्री करी है, कहाँ से करी है. What matters is your skills. तो चाहे आप BCA करें या फिर BTech, don't forget to focus on your skills. Learn a programming language, learn coding, learn data structures, algorithms. Start today and keep practicing. Thank you for watching this video. I'll see you in the next one. तब तक के लिए take care and goodbye.